सोनीपत के गोहाना के गांव रूखी में गेहूं खरीद केंद्र में गेहूं के बोरियों में ढेर में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल दोपहर बाद रूखी के अस्थाई गेहूं मंडी में आरती द्वारा किसानों से गेहूं को बोरियों में रखे करीब 2000 क्विंटल के ढेरे में अचानक आग लग गई। जब आसपास काम कर रहे मजदूरों और आरतियों ने गेहूं के ढेर से धुआं उठते हुए देखा तो सभी मजदूर, आरती और किसान आग पर काबू पाने में लग गए। आरती और मजदूरों की बदौलत कुछ गेहूं आग में राख होने से बच गया। वहीं आरती के अनुसार कोई बाइक सवार बीड़ी पीने के बाद जलती तिली फेंक गया जिसके कारण आग लग गई। से क्या हुआ, कौन सी मंडी है बताओ? ये रुखी मंडी है और यहाँ पे ये लेबर वाले पर रहते बोरिया, इन्होंने देखा कि एक बाइक वाला यहाँ पे रुकया और उसने बीड़ी लगाई और ऐसे तिली पका के चला गया। उसके जाते ही एकदम पूरे चारों तरफ ही ढेर था, ये 1500-2000 इकट्ठे है करीबन। इसके ढेर के चारों तरफ के आग फैल गई, पूरा ढेर में आग जल गई है। तो पूरी मंडी की लेबर जितने भी आदमी थे, जो किसान आए हुए थे, आड़ती थे, वो सभी एकदम इसके आग के ऊपर पड़ गए। वो तब जाके ये आग बंद हुई है। पानी का टैंकर मंगवाया, यहाँ पर पानी भर रखा था कैंपरों में, वो कैंपर भी सारे खाली किए, रेत भी मारा, तब जाके ये काबू आई है। नुकसान ज़्यादा है। ये मान लो कि सारे कट्टे तो खराब हो ही गए, उसने कुछ कट्टे खराब हो तो नाच भी खराब हुआ है। उठान नहीं हो रहा? उठान तो बिल्कुल नहीं हो रहा। 8 तारीख से मंडी शुरू हो रही है, अब तक कोई उठान चालू ही नहीं हुआ है और ना ही आगा टेंडर हुआ है अब तक कि भाई उठान का टेंडर किसको दिया जाए। ये टेंडर ही नहीं हुआ, तो उठान तो तब होगा जब टेंडर होगा। तो नुकसान हो गया? नुकसान तो हो गया, ये किस और ज़्यादा भी हो जाए तो किसका नुकसान है? ये नुकसान आड़ती का है। ठीक है, आपका? हाँ, ये भाई है दूसरा, उसका दुकान है, ये मेरा उधर है साथ में है। किसी का भी हुआ तो नुकसान ही हुआ ना। क्या नाम है? मेरा नाम जगबीर है। अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह पहुंचा? नहीं पहुंचा। अधिकारी आए थे, मार्केट कमेटी वाले भी आए थे और वो देख के चले गए ना, तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें बढ़ा ना देंगे या ना देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, वो अपना एक बार देख के यहाँ पे फोटो बनाकर चले गए। वही किसान नेता सत्यवान नरवाल ने कहा कि सरकार दावा करती है किसान से गेहूं खरीद करने के बाद उसकी पेमेंट 72 घंटे में हो जाएगी, मगर सच्चाई ये है कि अब तक लाखों टन गेहूं मंडियों में आ चुका है मगर उठान ही नहीं हुआ है। आज आग लगी है, कल बारिश की वजह से कीला होकर खराब भी हो सकता है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकार कहती है जब तक किसान का खरीद हुआ गेहूं गोदाम तक नहीं पहुँच जाता तब तक पेमेंट नहीं होगी। इसमें किसान का क्या दोष है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी अधिकारियों को, सरकार को चेताना चाह रहे हैं, वे मंडी में आग लगी है यहाँ, ये देख मात्र ट्रेलर है। अगर गोहाना जैसी मंडी में आग लग जाए तो पता नहीं लाखों क्विंटल कट्टे लगे हुए हैं, वहाँ लग जाए तो वहाँ क्या होगा? यानी कि इससे दोहरा नुकसान हो रहा है। एक नियम है सरकार का कि 72 घंटे के अंदर अंदर गेहूँ खरीद होने के बावजूद उठान हो जाना चाहिए। अभी किसी भी मंडी में उठान नहीं हुआ है, ये सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। और अगर जब किसान को भी पेमेंट तभी मिलेगी जब ये गोदाम में डालेगा, रुणसिब एजेंसी का है, और तब तक अगर ये 15 दिन यहीं पड़ा रहा, जैसे आग लग गई इसका कौन जिम्मेवार होगा? जब सरकार ने खरीद लिया या आड़ती मारा गया, क्योंकि बारदाना गया, दोबारा लेबर लगेगी, पता नहीं क्या क्या नुकसान होगा। यानी कि हमारा ये तुरंत कहना है कि तुरंत सारी मंडियों में उठान जल्दी से जल्दी जारी किया जाए ताकि जगह भी मिले और इनकी भी समस्या दूर हो। फिलहाल गेहूं के बोरियों में आग लगने पर मजदूरों और आड़तियों ने समय रहते उस पर काबू पा लिया, वरना काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। अब देखना होगा किसानों का फसल उठान कब तक हो पाता है या फिर किसान यूं ही मजबूर होकर इंतजार करते रहेंगे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।